सचिदानंद रूपाय विश्व प्रत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सचिदानंदंकर पाद पद्मरे अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करी आजिर सकाळ आपण मानकर जीवन को सुखमय आनंदमय प्रदान करंतु महाप्रभु जगन्नाथ के पाखरे एतिकी प्रार्थना रखी। हे सज्जन बंधु आज डीटीपी ओडिया द्वारा आज अनुचिंता आम श्रवण करवा जे आम जीवन रे बेले बेले जीवन रे गुरु गाली करवा द्वारा गुरु को आशीर्वाद पाइबा केमिति आज दुनिया रे गुरु को प्रति सम्मान नहीं। आगुरु आग काल रे आपण पूर्व सत्य युग हुंतु द्वापर युग हुंतु प्रत्यय युग हुंतु आगुरु की बारे गुरु को भक्ति थिला। गुरु शब्द अर्थ कौन गर्त अंधार अर्थ आलोक जी अंधारू आलोक आड़ को निंती ना हूँ गुरु तेणुक रामचरित मानस सुंदर भाव बंद गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा गुरु विनु भवन धित रही न कोई जो बीरंची शंकर सम होई बिना गुरु रे आम के मुक्ति लाभ करें से नु आज अनुचिंता ये श्रवण करवा जे आम बाबा माने मामा माने बेले बेले ये कली जुगरे गुरु जदि कौन कहिले आमे तांकु गाली करू आमे तांकु सांगे सांगे प्रति उत्तर करू। हे सज्जनबंधु इतिकी मन रखिबे गुरु शिष्य प्रति जहाँ भी कहतु से गाली करंतु से रागंतु ताड़ना करंतु दंड दियंतु शिष्यर केवल मंगल ही थाए ता व्यतिरेक अन्य केबे ही न थाए। अनेक उदाहरण अच्छा आपण रामायण रे श्रवण करेंगे दिव्य कथा से दिन सुतीक्षण चरित्र महामुनि अगस्त्य जड़े परम शिष्य थिले छोट बालक अवस्था रे तांको बाबा माँ जितने नहीं कि अगस्त ऋषि पाखे छाड़िले महामुनि अगस्त्य तांको शिष्यत्व ग्रहण कले ये बालक अवस्था फिर छाड़ी चलीगले अगस्त्य महामुनि धर्म प्रसार करने आउ जेतले धर्म प्रसार करिया पई चली गले महामुनि अगस्त्य ये सुतीक्षण को दायित्व दे गले आश्रम ले बाबा रे मु जाऊ जी धर्म प्रसार करिया पई किछि दिन स्वल्प दिन रे पुणी तुम पाखू को फेरी आसीबे कहि कि चली गले सेते बेर तो आगे एते अभाव नाटन एते खाद्य पदार्थ सामग्री प्राचुर्य नताए प्रचुर परिमाण रे स्वल्प बहुल खाद्य तो से नेरे कहि कि गले जो स्वल्प दिन गुरु अगस्त्य रहु रहु किछि अधिक दिन रहीगले आ जहार परिणाम स्वरूप अधिक दिन रहीगले जे आश्रम खाद्य कणिका मिललानि खाइबापी सुतीक्षण भोक उपास छोट बाड़कटे केते दिन रहिबो तेणुक ये जेतेबेले नदी कूल को ठाकुर पूजा करिबापी जल आणवाक जाए आल आणवापी गला बेलू से नदी पठार गोटे भल जामुकुली गच बड़ जामुकुली गचटे होता है। से जामुकुली गच को देखला भाविला जामुकुली खाइबी हेल्ले जामुकुली खाई खुदा को मेटेबी जे कितु जामुकुली पारापी तो टेलर बा टेकाटे आवश्यक ना ढेला आदीकूल कौटे मिल नदीकूल बहुत खोजी खोजी बालीपठा आेकाटे मिललानी भी फिंगिकी कोली पारापी तेणुक विचार कले जे आम गुरु रखिंट तीन ठाकुर सीताराम लक्ष्मण रूपी शालग्राम तो हे सुधी सज्जन ये छोटिया बाड़कर क्षुद्र बुद्धि विचार कले ये ठाकुर को नहीं जीवी सालुकंदर खोलिकी फिंगी आमुकोली गच को आमुकोली पड़ब तापर मुझे कोली खाइला पुणी ठाकुर को नहीं स्थान रखिदेवी ये विचार करते कोली खाइबापी तीन ठाकुर को नहीं फिंगिले राम रूपी शालग्राम को फिंगापर राम रूपी शालग्राम कोली झाड़ी नदी मझे डूबी गले ये छोटिया बाड़क आउ जापारना अज्ञान वशत ठाकुर डूबीगले पुणी जानकी माँ रूपी शालग्राम को खोलिले फिंगिले कोली झाड़ी जानकी माँ रूपी शालग्राम नदी मध्य भाग डूबीगले पुणी लक्ष्मण लाल को खोलिले लक्ष्मण राम रूपी शालग्राम कोली झाड़ी नदी मध्य डूबीगले बहुत पेट भरिकी सुतीक्षण कोली खाइले हेले कोली खाइला विचार कले मो गुरु ठाकुर गले कड़े खोजला बेलू हे सज्जन आउ कौन अच्छा
ठाकुर नहांती छोटिया बाळक क्षुद्र बुद्धि बुड्ढी की बहुत खोजिले मनस्ताप कले मो गुरु को प्रत्युत्तर देवी कौन मो गुरु को डर कौन कह कौन जवाब देवी मुया विचार कर ठाकुर को आ पाइले आमुछारे जामुकोल की बांधिकी आणिले कौन करी कौन करी भाविकी क्षुद्र बुद्धि तो बाक अवस्था से बड़ बड़ जामुकोल तीन टाक बाछने कहे गुरु ठाकुर कला को ये जामुकोल भी कला तेणुक मुबी कौन ना मने मन भाविले ये जामुकोल तीन को सी छालुगन बांधिकी भिड़िकी रखीदेवि गुरु आृद्धरणी आखिकी तो भल भाव देखा जाऊनि से निश्चय जापारे मोर भूल को या कर बांधिकी रखीदे परवर्ती ता दिने दि दिन पर गुरु आसी पहुँचीगले गुरु आसी पहुँचीगला प्रणाम कले आ प्रणाम कर सारापर आहले सब ठीक तो ना गुरुजी सब ठीक अच्छे गुरु जो प्रातर उठी स्नान शौच नित्यकर्म सारी ठाकुर पूजा कले जल तुसी दिने दि दिन दे सारापर ये जामुकोली चोपा छाड़ी नुतु नुतु गुरु जो चंदन शिव महापुण्य पवित्र पापनाशन गई चंदन दे दे बेलू गोटे कोली नुतु नुतु ही फाटिगला गुरु भाविले हे सुतीक्षण आज पर्यंत मो ठाकुर को खावाक दिने नुतु नुतु हमें तु कौन खाया दे सत आठ दिन भितर मो ठाकुर कौन नुतु नुतु है सुतीक्षण एपटे थरवाक लगे मो गुरु बोधे जाणीदे ये सब कथा सुतीक्षण थरुची एपटे गुरु कले कौन ना जोबले सालुकना को खोली देखला बेलू ता भितर नहांती अर्थात ठाकुर शालग्राम नहांती जामुकोली पचिकी ता चोपा छाड़िकी दीफाल गुरु सबू खोलिकी देख मनस्ताप लुह गड़गला गुरु डाकिले सुतीक्षण रे कह ए बाबा ए मो ठाकुर को कौट रखिलु जवाब दे कह अरे मो ठाकुर को बोल जामुकोली गुड़ाक रखीचु सुतीक्षण दौड़ी दौड़ी आसिकी गुरु पाद तले पड़गले गुरुजी आ सब सत्य कथा कहले से दिन कही सारे गुरु कहले हतभागा तू मोर शिष्य होकर आज मो ठाकुर को फोपाड़ी देलु जो पथर ठाकुर को फोपाड़ी शालग्राम जा जो दिन ठाकुर आणबू से दिन तोरे आश्रम स्थान मिल मुते देखा जाऊनि चली जा तु गुरु से दिन त्याग कर सज्जन गुरु जिते प्रकार मुंडिया मारे प्रार्थना कले गुरु क्षमा कले जा जो दिन ठाकुर को आणबू से दिन तु आसबू से दिन ठू गुरु को पाद तले मुंडिया मारी सुतीक्षण सबुदिन चलीगला सीताराम लक्ष्मण को कठोर तपस्या गला गुरु क्रोध को गुरु वाक्य को शिरोधार्य कर जीवन आशीर्वाद मने मने भाविकी गुरु को मुंडिया मारी प्रणाम कर कठोर तप कला आ सीताराम लक्ष्मण जो बनवास आसिले प्रथम मन पड़गला मो सुतीक्षण मत कठोर तप कर दर्शन दे सुतीक्षण से दिन दर्शन देलापर मागिंट कहे माग भगवान राम कहते बरमाग बरमाग सुतीक्षण सुतीक्षण कहते प्रभु मोर गुरु गोटे ऋण रही जा मत सुझाक पड़ो आपण को जीवाक पड़ो मो सहित मुझकी कृतांजलि कूटे आपन को क्षमा प्रार्थना करुच्ची भिक्षा मगुच मत दिंतु भगवान को से दिन हाथ धरी सुतीक्षण आनी गुरु पाखे पहुँचीगले गुरु चिन्ह पार ना भगवान राम को देखापर भगवान राम कहे देख ये आपण शिष्य सुतीक्षण सुतीक्षण दौड़ी दौड़ी जा गुरु पाद ते पड़गले क्षमा प्रार्थना कले कहे गुरुजी मत आज क्षमा दिंतु आपण जो ठाकुर को मु फिंगी दे पथर ठाकुर आपण को आशीर्वाद फलस्वरूप आपण को चरण जो धूल आशीर्वाद मुझे तपस्या करपर गुरुमंत्र दीक्षार प्रभाव मुझे निश्चित भाव सतसतिकार आम को आनी पथर ठाकुर को सीना फोपाड़ देती आज सत ठाकुर को आनी मोर किसी महानता ना एपणकर बहुत रही आपणकर गुरु मंत्र रही आपणकर आशीर्वाद रही आपणकर स्नेह ममता रही हे गुरुदेव सीने गुरु कुंडे पकेले गाढ़ आलिंगन कले कले सुतीक्षण आरे मु आज तो गुरु नुह रे आज तू मो गुरु होगलु कहीं मु माला जपी जपी जो राम को दर्शन कर पार नी तो भाया शिष्यत्व पाइबार तो भाया शिष्य मिल तू आज मत सतसतिका राम भगवान को दर्शन दे तू धन्य तू धन्य हे सज्जन कहार उद्देश्य गुरु
ରାଗିଲେ ମଧ୍ୟ କୋପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଗୁରୁ ସ୍କୁଲରେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଗାଳି କରନ୍ତି କି ମାଡ଼ ଦିଅନ୍ତି ଆମେମାନେ ମୁରବୀମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦାବି କରି କହିଥାଉ ସେ କହିବାଟା ନିଜ ପିଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଷ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ସେମିତି କରିବାନି ଏତିକି ଜାଣିବା ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ ଗୁରୁଜୀ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ରୂପରେ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେହି ଜ୍ଞାନରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ନମନ କରିବା ପ୍ରଣାମ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ www.srijagannathastro.com। 22 ଏପ୍ରିଲ 2023 ମସିହା ମୀନରାଶିରୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେବେ ମେଷରାଶି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗମନ ବା ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କିଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭରେ ବିତିବ ନା ପାଇବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତିଟି ରାଶିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ। ବୃହସ୍ପତି ଚଳନରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କେବଳ DTV ଓଡ଼ିଆରେ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।